हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शनि जयंती आने वाली है। 2024 में शनि जयंती 6 जून गुरुवार की पड़ रही है। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, शनि जयंती भगवान शनि के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जो है शनि भगवान का जन्म उत्सव हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। अब करें क्या, आप प्रातःकाल स्नान करें तब भी शनि मंदिर जा सकते हैं, नहीं तो सायंकालीन पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप शाम को नहाएं, पुनः नहाएं और मंदिर जाएं, और मंदिर जाकर आप उनकी पसंद की चीज़ें, जैसे काले उड़द के पकोड़े आते हैं ना, वो आप बाज़ार से खरीद लें, नहीं घर पर बना लें। आप जो है इमरती है, जलेबी है, और इस तरह की चीज़ जो है भगवान को अर्पण करें। समी पत्र अर्पण कर सकते हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। नीले पुष्प अर्पण कर सकते हैं। सरसों का तेल आप ले जाकर भगवान को अर्पण करें, इससे भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन जो है थोड़ा सा आप जो है सरसों का तेल अपने भी मतलब हाथ पैरों में लगाएं, इससे भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान की जो भी आप पूजा कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जितना भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ चढ़ाएं। लेकिन इमरती है और आपके जलेबी है, काले उड़द की दाल के पकौड़े हैं, और आप खिचड़ी भी भगवान को घर से बनाकर ले जा सकते हैं। भगवान को प्रिय चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। काले तिल अर्पण कर सकते हैं भोग में आप, या फिर आप मीठे पुए बना सकते हैं, उसमें काले तिल डालें जरूर। इस तरह आप भगवान का भोग लगाएं, आरती लें, लेकिन उनके सामने खड़े ना हो, आप साइड से खड़े हो, यानी आंखों में आंखें मिलाकर उनके दर्शन नहीं करने, ऐसा कहा जाता है। और इस दिन जो है उनके मंदिर में कोई पीपल का पेड़ लगा हो तो वहां पर जो है आप मीठा जल एक लोटे में ले जाएं, कच्चा दूध है, काले तिल है, कुछ मीठा डालकर पीपल की जड़ों को सींचे, वहां पर चौमुखी दिया आप जला दें। पीपल के पेड़ों में परिक्रमा कर सकते हैं। समी के वृक्ष की पूजा करें, मीठा जल अर्पण करें, वहां भी दिया जलाएं आप, इससे भी शनि भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। और दोस्तों, अगर आपको शनि भगवान की मतलब अद्भुत कृपा चाहिए तो आप कुछ काम जो है जीवन में अगर अपना सही आचरण से साथ करेंगे तो आपको शनि भगवान की तुरंत कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि शनि भगवान जो है न्याय के देवता हैं। और भगवान को कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे कि ब्याज का धंधा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि गरीबों का वो शोषण करने लगते हैं, पैसा लेकर गरीबों की हाय लगती है, इसलिए ब्याज का धंधा करने वाले लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। व्यभिचारी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, शराबी लोग पसंद नहीं है, शोषणकर्ता लोग पसंद नहीं है, जो मजदूरों से काम करा लेते पैसा देने पे आनाकानी करते हैं, नास्तिक लोग यानी कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं, वो भी उनको पसंद नहीं है। यानी आस्तिक लोग पसंद है, नास्तिक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और जुआ सट्टा खेलने वाले लोग जो जुआ सट्टा खेलते हैं, गंदे लोग जो नहाते धोते नहीं, अपने दांतों को साफ नहीं करते, बड़ों का आदर नहीं करते, गुरु का सम्मान नहीं करते, और निर्दोष लोगों को हमेशा सताते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और कमेंट से नमस्ते जरूर लेके बहुत बहुत धन्यवाद।